दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आने वाली हीरो एक्सपल्स 204B के बारे में। फाइनली कंपनी ने इसको रिवील कर दिया है, इसकी प्राइस भी रिवील हो चुकी है, सब कुछ रिवील हो चुका है। गाड़ी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, नॉर्मल जो चेंजेस है उसके बारे में सारी डिटेल अभी के अभी इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, अगर मैं बात करूँ ADV सेगमेंट और एडवेंचर सेगमेंट में अगर बात करूँ तो 200cc में एक्सपल एक टाइप से बोल सकते हैं रेवोल्यूशन है। जो लोग टूरिंग करना चाहते हैं और उनको गाड़ी चाहिए जो कि ऑफ एंड ऑन रोड के लिए गाड़ी चला सके, तो उनके पास या तो हिमालयन होती थी या तो नॉर्मल जो बाइक्स होती है उसको एज ए एडवेंचर बाइक में कन्वर्ट करके, मतलब पैसा लगा के उसके बाद आप उस गाड़ी को ले जा सकते हैं। लेकिन हीरो ने जब से एक्सपल्स लॉन्च की है, इसमें दो मॉडल आते हैं, एक्सपल्स 200T और एक्सपल्स 200। 200 को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आप पीछे लगेज के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, टॉप बॉक्स लगा सकते हैं, पाइनियर्स लगा सकते हैं, एंड काफ़ी लोगों ने लगा के बड़े बड़े राइड भी की है। लेकिन कंपनी ने सोचा टू वॉल्व की जगह क्यों ना इसको फोर वॉल्व किया जाए। मतलब पहले इंजन में दो वॉल्व थे और दो वॉल्व होने से होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दो वॉल्व होते हैं और वॉल्व बड़े बड़े भी होते हैं, तो इसका जो अपर हेड होता है, इंजन के ऊपर का जो हेड होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, तो एवरेज भी आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। वही बात करूँ इसके कॉम्पिटिशन में, अभी होंडा CB200X लाई गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही थी, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में हीरो की एक्सपल्स ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। रिसेंटली अगस्त में लॉन्च की होंडा ने CB200X को 144,000 में, वो सब तो ठीक है। अब सीधे सीधे बात करते हैं एक्सपल्स में क्या दिया है। परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए सबसे पहला टारगेट इनका यही था कि एक्सपल्स 204B में परफॉर्मेंस को कैसे अपडेट किया जाए, तो यहाँ पे यूज़ किया गया 4-volt टेक्नोलॉजी। हाँ मालूम है ये थोड़ा कॉस्टली लगता है, कॉस्टली बनने में भी है और इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी गया है, लेकिन इससे क्या होता है 4-volt से एयर फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है इंजन के अंदर, साथ ही साथ जो फ्यूल होता है वो अच्छे से बर्न हो पाता है और ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे ये थोड़ा लाइटर भी होता है। दो बड़े बड़े वॉल्व की जगह अगर चार छोटे छोटे वॉल्व लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा लाइटर होता है और अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है, और यहाँ पे RPM काफ़ी हाईली भी रेव कर पाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब एक्सपल्स 204B काफ़ी अच्छी रेव भी हो सकेगी और पावर भी इसका बढ़ चुका है एंड फ्यूल कंजप्शन भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। अब आती है मेन चीज़ कि इसमें परफॉर्मेंस में क्या अपडेट हुआ है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने जो अपडेट दिया है एक्सपल्स 204B में, यहाँ पे 6% आपको ज़्यादा पावर मिलेगा और 5% आपको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। तो अभी के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे ऑयल कूल्ड इंजन है, साथ ही साथ जो पावर आउटपुट है दैट इज़ 19.1 PS की पावर आउटपुट एट द रेट 8,500 RPM, एंड इसमें जो टॉर्क है वो 17.35 Nm का टॉर्क एट द रेट 6,500 RPM 5-speed ट्रांसमिशन के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलती है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ 4-volt होने से इसका सिलेंडर हेड काफ़ी कूल रहता है, तो इससे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी गाड़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं करना पड़ता, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंटिन्यू भी इस गाड़ी को चला सकते हैं, हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हीरो एक्सपल्स 204B में स्टाइलिंग में कोई अपडेट हुआ है, बस दो ही अपडेट हुआ है, इसकी जो LED हेडलाइट है उसको थोड़ा सा और एनहेंस किया है, ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और दूसरी इसकी सीट की प्रोफाइल को और अच्छा अपडेट किया है, ज़्यादा कुशनिंग प्रोवाइड की है, और इसमें 3 कलर और ऐड किया गया है, ट्रेल ब्लू, ब्लिट्स ब्लू एंड रेड रेड। तो ये 3 कलर ऑप्शन ऐड किया है और पुराने जो कलर्स है वो ऑलरेडी है, वो तो आपको मिलेंगे। और इस गाड़ी को थोड़ा एडवेंचर टूर के हिसाब से बनाया गया है, तो उस हिसाब से इसकी ग्राफिक्स भी दी गई है। एक्सपल्स 200 में आपको ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम मिलता है, टेलीस्कोपिक फोक, मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में, एंड डुअल पर्पस 9190 का फ्रंट टायर और 120 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलता है। 276mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220mm का रियर डिस्क ब्रेक है, रोटोपेडल डिस्क है जो कि जल्दी ठंडा हो जाता है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो ये लॉन्च हुई है 1,28,150 रुपये, वो भी एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड होते होते इसमें 20% और ऐड कर दो तो आपका ऑन रोड प्राइस हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।